एकाध तो ऐसा सवाल पूछो तो मैं जय कुमार को याद करूं। सर मेरी क्लियर विथ माई स्ट्रैटेजी, अभी तक मैंने एंट्री नहीं सिखाया है। आप वो सादा सपोर्ट रेजिस्टेंस मत सोचते बैठना, नहीं तो आपको चार्ट देख के लगेगा अच्छा है सपोर्ट रेजिस्टेंस देने वाला है। आई विल गिव यू सम ब्रेकआउट, क्विक ट्रेड चाहिए ना, स्पीड है, ऑप्शंस इज ऑल अबाउट स्पीड, स्पेशली व्हेन वी आर बाइंग ऑप्शन इट रिक्वायर्स बाउंस, इट रिक्वायर्स स्पीड। हाँ क्योंकि ऑप्शन में स्पीड नहीं होगा तो टाइम वो खा जाएगा, टाइम क्या है ये मत पूछना। हाँ बट बेसिकली यू नीड स्पीड, फास्ट पैसा चाहिए तो ब्रेकआउट थिंग विल वर्क बेटर इन ऑप्शंस, बट यहां तक क्लियर है? हाँ ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑप्शंस, गूगल इट, ऑप्शंस गूगल इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मीनाक्षी? ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन कहाँ मिलेगा, ब्रोकर के पास या एनएससी के वेबसाइट पे, ब्रोकर के पास रेकमेंडेड, ठीक है। ऑप्शन चेन कहाँ मिलेगा, ब्रोकर के पास। उसके बाद में स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस कहाँ मिलेगा, ऑप्शन चेन में। स्ट्राइक प्राइस कहाँ मिलेगा, ऑप्शन चेन में। कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, निफ्टी या बैंक निफ्टी, कौन सा चार्ट? परफेक्ट, वापस तो ये स्लाइड दिखाई, बुला दूंगा मैं तेरे को एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ ये क्लियर है, ये क्लियर है, कुछ नहीं है, ट्रेंड फिल्टर है। अगर कॉल में मूविंग एवरेज राइजिंग हो तो बाय करेंगे, फॉलिंग है तो शॉर्ट करेंगे, और कुछ नहीं है। जूम क्वेश्चन राइजिंग है तो, फॉलिंग है तो, अच्छा कहां पे, हाँ वो मैं बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा। 22 मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, बराबर। बाय कहां करेंगे, वो मैं अभी बताऊंगा। यस यस, नो नॉट नेसेसरी, कॉल का 100 रुपया, पुट का 100 रुपया, 100 रुपया, डन। आगे चलू पक्का, चलो नेक्स्ट स्लाइड कर मीनाक्षी। नहीं, पीपीटी आने दो, पीपीटी आने दो, नेक्स्ट। हाँ सी दिस, सो व्हाट आई डन नेक्स्ट, जब मार्केट नीचे सपोर्ट के लिए आता है, आई एम नॉट बाइंग हियर, आई वॉन्ट दिस सिंगल लाइन टू ब्रेक आउट, आई एम नॉट बाइंग एट सपोर्ट, आई वॉन्ट दिस टू ब्रेक आउट। ओके आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, पहले सिस्टम समझ लो, नेक्स्ट स्लाइड करो। ओके ये पिछला वाला रियल चार्ट है 8 अगस्त का, बैक करो। ओके गुड, सो दैट इज 8 अगस्त 5 मिनट चार्ट, दिस इज 8 अगस्त 5 मिनट पुट। अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैं नीचे लाइन बनाऊंगा, ब्रेकडाउन के नीचे कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस, लो का एंट्री, 1:2 टारगेट। फिर से मार्केट ऊपर गया साइडवेज में, ट्रेंड लाइन लगाऊंगा, जहां भी नीचे क्लोजिंग आया लो का शॉर्ट, हाई का स्टॉप लॉस, 1:2 टारगेट। जितना बोला उतना समझा, एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं, और यस और नो, चलो यस में दम था नहीं तो मैं एग्जाम्पल देखते तो समझ में आएगा धीरे धीरे। देखो लेट्स अज्यूम दिस इज कॉल 5 मिनट, तो मैं क्या करूंगा, अप टू अप ट्रेंड लाइन लगा दूंगा सिंपल सा, जो भी टच होके जाता है वो, परफेक्शन की जरूरत नहीं है, टच हो रहा है 2 4 5 कैंडल को तो बेटर है। अच्छा ये पीपीटी दे दो संजय भाई, आया ओके, आई विल ड्रॉ इट अगेन। सो लेट्स अज्यूम दिस इज निफ्टी का कॉल का चार्ट, सो मैं यहां पे जितना भी हाईएस्ट कैंडल टच हो रहा है बॉडी को नहीं काटते हुए मैं मार्क कर दूंगा, कहीं भी बॉडी नहीं कट रहा है, एक आध शेडो कट रहा है, दैट इज ओके। 1 2 3 4 5 कैंडल टच हो रहा है, सो आई विल बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, बाय अबाउट द हाई, बाय अबाउट द हाई। यस आई विल शो यू हाउ टू मार्क फ्यू मोर चार्ट, सो फॉर एग्जाम्पल ये है तो मैं ऊपर से नीचे ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, उसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए, सबको दिख रहा है यस और नो? वहां पे भी वही क्यों दिख रहा है, नीचे वाले डिस्प्ले में बॉक्स में,
हाँ दिस इज बेटर। पानी है साहब आप लोग के पास, पियो थोड़ा एक से। पियो पियो क्विकली क्विकली पियो। चलो आगे चलू। यस और नो? हाँ फिर से मुझे मार्क कर रहे हैं, मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए एंड आई विल मार्क इट लाइक टॉप टू टॉप। नहीं बन रहा है वहां से, मे बी दिस, यहीं पे फिर बाय होगा, यहीं पे स्टॉप लॉस 1:2 टारगेट। फिर से मुझे मार्क करना है, आई हैव टू ड्रॉ दिस, मे बी देन आई हैव टू गो आफ्टर द ब्रेकआउट फॉर डॉजी ब्रेकआउट कैंडल। अगर मुझे यहां पे ट्रेड करना है देन आई विल मार्क दिस एज दिस एंड आई विल शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउट द हाई, 1:2 टारगेट। कितने लोगों को ये नहीं समझा, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप स्टैंड अप, खड़े हो जाओ बिंदास, इट्स ओके, आई विल शो यू। हाँ फर्स्ट कंडीशन इज यू नीड अ ट्रेंडेड मूविंग एवरेज। ट्रेंडेड मूविंग एवरेज पे मार्केट जब भी, ये देखो यहाँ पे एवरेज पे प्राइस आया नहीं बट साइडवेज हो गया, सो आई कैन ट्रेड दिस ऑल्सो। सपोर्ट लेना जरूरी नहीं है, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होना जरूरी है जहां पे मैं कुछ इस तरीके से लाइन बना सकू टॉप टू टॉप बाय करने के लिए। एंड जब भी ये ट्रेंड लाइन के मार्केट ऊपर जाता है बाय अबाउट द हाई स्टॉप लॉस बिलो द लो। दिस इज वेरी बेसिक ट्रेडेबल स्ट्रैटेजी। अभी समझा आपको मैं क्या कैसे मार्क कर रहा हूं? हमें मूविंग एवरेज राइजिंग चाहिए, इसके बाद में मैं टॉप टू टॉप चीजें मार्क करूंगा। मूविंग एवरेज चाहिए राइजिंग, उसके बाद में मैं टॉप टू टॉप मार्क करूंगा इस तरीके से। इसको मैं अगर रिमूव कर दूं, सो मार्केट जब भी नीचे गया तो मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया, फिर जब मार्केट ब्रेकआउट होता है बाय अबाउट हाई स्टॉप लॉस बिलो द लो 1:2 टारगेट। नो फॉर एंट्री एमए से कोई रिश्ता नहीं है। ट्रेंड फिल्टर इज मूविंग एवरेज। ट्रेंड अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है कैसे पता चलेगा? अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होने के लिए पता वो हमें चलेगा मूविंग एवरेज से। सो वो पता करना बहुत जरूरी है कि मैं अप ट्रेंड में बाय कर रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड में बाय कर रहा हूँ। सो द फिल्टर इज मूविंग एवरेज। समझा पक्का? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क कैसे करना है, वो मैं आपको और कुछ ट्रेड दिखाऊंगा तो समझेगा। बट एनी एनी क्वेश्चन, स्टैंड अप, एनी क्वेश्चन, स्टैंड अप। यस नहीं सुना माइक। सर टू कैंडल्स लोअर लो नहीं लेंगे, लोअर टू कैंडल लो नहीं यार, ये लोअर लो में मैं जाऊंगा तो अपन नए डाओ थियरी में चले जाएंगे। डाओ थियरी विल टेक मी 1.5 आवर टू एक्सप्लेन। हाँ तो मैं डाओ थियरी में नहीं जाऊंगा, बट सिंप्लिसिटी के लिए हमें समझो ये आपका ट्रेंड है तो हम ये मार्क कर देंगे इस तरीके से एंड वी विल बाय अबाउट द हाई। अगर ये आपका ट्रेंड है तो हम इस तरीके से मार्क कर देंगे एंड इसके बाद में ब्रेकआउट यहीं पे हुआ तो वी विल बाय अबाउट हाई ऑफ दिस कैंडल ओनली। अगर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है इस तरीके से, यहाँ पे मार्केट यहाँ खड़ा है तो हम इसको ये पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे एंड जब इसके कंटिन्यूएशन में जब मैं ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ व्हिच इज बेटर हियर, इस तरीके से मार्क कर देंगे। यहां पे क्लोजिंग हुआ सो शॉर्ट बिलो द लो स्टॉप लॉस अबाउट द हाई, उस तरीके से मार्क करेंगे। यहां पे अगर मुझे मार्क कर तो मैं इस तरीके मार्क कर लूंगा। कितने लोगों को नहीं समझ में आया, स्टैंड अप। यस पीछे कोई खड़ा है, माइक दो। सर ये मूविंग एवरेज से कितना नजदीक होना परफेक्ट गुड क्वेश्चन बोल रहा हूँ, नहीं उसी पड़ता है। एक राइजिंग मूविंग एवरेज बचा गया, दैट्स गुड इनफ।
नजदीक का कोई रिश्ता नहीं है इसमें. ओके सर, थैंक यू सर. ओके परफेक्ट सर. एक ब्रेकआउट वाली कैंडल के ऊपर हमने एंट्री किया, हाँ, सपोज अगर वो ब्रेकआउट नहीं होते हुए उसके ऊपर वाली कैंडल पे हमने एंट्री, क्या होगा सर? वही एक ही कैंडल. आप बोल रहे हो लेट एंट्री करे तो क्या? नहीं 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 सर, हमने एक ब्रेकआउट मिल गया जैसे आपने आगे गए थे तब मैं बता सकता हूँ. राइट. हाँ सर. हाँ बताओ. लेट्स से बी शॉर्टेड बिलो द लो ऑफ दिस कैंडल. हाँ तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा सर? ये इसका हाई, सेम कैंडल का हाई ये. और इन केस हमने सपोज ऐसे नहीं होता है कि ब्रेकआउट वाली कैंडल पे एंट्री नहीं होती है, सेकंड कैंडल पे हमें एंट्री मिलती है, छोड़ देना है ट्रेड. डोंट ट्रेड लेट, फॉलो द सिस्टम. ओके यस मैम. माइक दे दो. हेलो सर. यस सर. फॉर बाइंग और फॉर शॉर्टिंग, हाँ, लेट्स सपोज इन दिस केस इफ द प्राइस गोज बिलो द ट्रेंड लाइन विल शॉर्ट, बट व्हिच वन टू सिलेक्ट? 100 रुपए वाला. 100 रुपए वाला. ओके थैंक यू. हेलो. यस. सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्यों नहीं सर? सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्यों नहीं सर? स्पीड, स्पीड जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है स्पीड होता है मार्केट में. स्पीड इज द की. स्पीड इज द की. गुड क्वेश्चन. हेलो. हाँ सर जी, ये स्ट्राइक प्राइस चेंज होती रहती है तो लास्ट डे का स्ट्राइक प्राइस लेंगे मॉर्निंग? नहीं नहीं, जब ट्रेड कर रहे हो तब 19-20 स्ट्राइक प्राइस चलेगा. बट आपने समझो 9:15 बजे देखा, फिर 1.5-1.5 घंटा रह के देख लो, 100 वाला वही है ना. सो अप्रोक्स 100 वाला आप एक दो ऊपर नीचे करोगे, 90 करोगे, 120 करोगे, दैट इज फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम. ये मैं सिर्फ सिखाने के लिए मैं 100 वाला बोलता हूँ, बट एक दो ऊपर नीचे कोई उससे कुछ होना नहीं है बड़ा डिफरेंस. कुछ बोल रही है तू? आ जाओ. सर एक क्वेश्चन. यस. चार्ट कौन सा देखना है, निफ्टी का या ऑप्शन? निफ्टी का. एक्सेल अल्ताफ बताएंगे आप. अल्ताफ है ना दोस्त? क्या माइक दे दो यार, एक माइक उसी को दे दो परमानेंट. सर अगर 5 मिनट के चार्ट पे करते हैं तो कितने बजे से ट्रेड देखे, मतलब 9:15 से तो करेंगे नहीं या 9:15 से ही? 9:15 से शुरू करेंगे. फर्स्ट ट्रेड मिलते ही शुरू कर सकते हैं? हाँ. क्या नाम है? एक्सेल अल्ताफ. सिर्फ अल्ताफ बोलेंगे तो अच्छा रहेगा. क्या क्या? अल्ताफ. अल्ताफ ना. हाँ. अच्छा अल्ताफ. यस. ये जो क्वेश्चन सर ने पूछा है एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि वो बहुत इनोसेंटली पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से जब सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे निफ्टी 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 तो उन्होंने मिस कर दिया. तो देयर शुड बी सम अदर कॉज बिहाइंड दिस क्वेश्चन, माइट बी समथिंग विच इज मेंटल डिस्ट्रैक्शन और समथिंग, अदरवाइज कंटेंट वाइज किसी को डाउट नहीं होगा. इज इट निफ्टी और बैंक निफ्टी? ये साइड वाले ही बोलते सर, कल वहां बैठा था तो वहां बोल रहे थे लोग. गुड वन. तो मुझे I don't think so. I should comment on this, but I think we should genuinely. Nifty का chart या call put का chart? आप एक बार और बोल दीजिए. Nifty का chart या call put का chart? भाई वो PPT दिखाओ, संजय भाई. दिख रहा है left, right में call, left में put. ऐसे ही लगाना है आपको, जैसे मैंने लगाया है, same way में. नो डिफरेंस. राइट में कॉल, लेफ्ट में पुट. आता हूं आता हूं. राइट में कॉल, लेफ्ट में पुट, ऐसे ही लगाना है. फिर से मेरे को मेरे लैपटॉप पे दे दो डिस्प्ले. यस यू कैन सेट अल्ताफ. हाँ अगर मुझे आपके सामने चार्ट अगर सेट करने हो तो मैं कॉल लूंगा 100 वाला यहां से 97 115. आई एम ओके विथ एनी, मतलब उतना मैं रिजिड नहीं हूं. एंड उसके बाद में यहाँ पे 105 है तो वो चल लेगा. ठीक है तो मैं इस तरीके से इसमें दोनों चार्ट को मर्ज कर दूंगा. आपको शेरखान सॉफ्टवेयर नहीं आता है तो आप यूट्यूब से सीख सकते हो. एक्सक्यूज मी सर, मैं पहले चार्ट सेट कर लूँ, बाद में आता हूँ मैं. उसके बाद में मैं इस पे 5 मिनट पे मूविंग एवरेज सेट कर लूंगा.
अच्छा ये खुल नहीं रहा है, ओके सो लेट्स गो टू 5 मिनट, एंटर, शो, आई विल ऐड 22 मूविंग एवरेज। इस तरीके से हमें ये एवरेज 22 इसी तरीके से मैं लगाऊंगा, एंड यही अगर मैं आपको कल का ही कुछ मार्केट दिखाऊं फ्राइडे का, सो दैट्स द टाइम टू शॉर्ट द मार्केट। एंड यहां पे अगर ये चार्ट रीलोड करता हूं मैं, लोड नहीं हो रहा है, आई एम एंटर थोड़ी रेस, ओके सो कॉल साइड पे प्रॉपर कोई ट्रेड यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट आई थिंक सो दीज वर द फ्यू बेटर ट्रेड्स, यहाँ पे इस तरीके से लगा करके मैं ट्रेड कर लूंगा। सो दीज आर योर ट्रू रियल ट्रेड्स इन लास्ट 2 or 3 days, शॉर्ट बिलो द लो, एंड यहाँ पे भी, यहाँ पे शॉर्ट बिलो द लो, दैट्स रियल लाइव मार्केट ट्रेड इन कॉल एंड पुट निफ्टी 5 मिनट। यस नाउ वी आई विल स्टार्ट विद मैम, यस माइक दे दो यार, परफेक्ट दोनों होगा, परफेक्ट परफेक्ट, कॉल पे कॉल का बाय शॉर्ट दोनों होगा एंड पुट के चार्ट पे पुट का बाय शॉर्ट दोनों होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन दिस वेरी केयरफुली, कॉल का कॉल के चार्ट पे बाय शॉर्ट दोनों का, जैसे यहां पे देखो ये कॉल का शॉर्ट है, दिस इज कॉल शॉर्ट ये वाला, ठीक है, एंड उसी चार्ट पे अगर मैं यहां पे आता हूं तो मे बी दिस इज कॉल बाय, यहाँ पे विल बाय अबाउट द हाई स्टॉप लॉस बिलो द लो, दिस इज कॉल बाय, एंड उसके बाद में एक दिन बाद दिस इज कॉल शॉर्ट, पुट की केस में दिस इज पुट शॉर्ट, यहाँ पे विल शॉर्ट बिलो द लो, एंड पुट की केस में कहीं पे अगर राइजिंग मिलता है प्रॉपर तो हम बाय भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है ये वाले स्ट्राइक प्राइस पे अभी, बट वैसे आप कर पाओगे, एंड 100 पे उतना रिजिड मत रहना, एक आध दो ऊपर नीचे चलेगा कोई वादा नहीं है, 80 भी चलेगा 120 भी चलेगा, so that's not a big concern. Yes. Sir, my question is when you say that mic दे दो यहाँ पे left में भी, हाँ yes yes sir yeah my question is that when you say last that... में कोई खड़ा है आप आगे आ जाओ कुछ पूछ रहे हो, हाँ sir 100 एक 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 yes sir shall I continue yes yeah my question is that when you say that the trend moves slightly sideways and there is a breakout, you buy above the high and short below the low, then what's the role of strike price? 100 rupees wala, you are asking me why 100 wala? Yeah, why 100 wala kyun lene ka wahi bol rahe ho na, नहीं 100 वाले के पीछे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, क्या होता है सपोज एज अ बिगिनर आप बहुत महंगा वाला ले लेते हो तो लॉस ज्यादा होता है, एंड बहुत सस्ता वाला लेते हो तो प्रॉफिट नहीं बनता है, so that's the only reason, nothing much, आप 120 करोगे 90 करोगे I am fine with that. Sir, did I answer your question? Yes or no? Yes or no? Okay, yes, last. Yes sir, अभी एक्सपायरी नेक्स्ट वीक की है या मंथ की है, कोई भी चलेगा ये स्टेम सेटर जी? Yes, दोनों एक्सपायरी चलेंगी, करंट ऑल्सो एंड मंथ एंड ऑल्सो, वेनस्डे हो या फ्राइडे हो या मंडे हो, yes, 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 रोज का वनडे, थैंक यू, हाँ सर 100 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमेशा ओटीएम हो जाता है मैक्सिमम टाइम, मतलब बाप रे क्या हो जाता है, आउट द मनी, अच्छा ये क्या होता है सर, मतलब जो अपना करंट प्राइस चल रहा होता है उससे काफी दूर रहता है वो, नहीं ये सब मेरे को नहीं समझ, मजाक कर रहा हूं, मैं आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड व्हाट यू से, बट देन मैं यहां पे स्ट्राइक प्राइस ये